हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल कोचिंग। माय नेम इज कृष्णकांत सिंह बुंदेला। मैक्रो इकोनॉमिक्स कीन्जियनिज्म हिंदी के पार्ट थ्री में आप लोगों का स्वागत है। इस पार्ट में हम न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं, और चूंकि ये एपिसोडिक एक्सप्लेनेशन है, सो टू गेट बेनिफिट कम्प्लीटली प्लीज सी द वीडियोज फ्रॉम पार्ट वन। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, इनका भी जो जन्म है वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में हुआ, जहाँ पर प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर इसके थे रॉबर्ट ल्यूकास। इनके साथ साथ थॉमस सर्जेंट और नील वेलेस भी थे। इन्होंने मिलकर न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स की नींव रखी थी। वह क्या था कि कीन्स ने जो अपनी थ्योरी दी थी उसको और मॉडिफाइड मॉनिटरिस्ट ने किया अपनी मॉनिटरी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करके, कि मॉनिटरी पॉलिसी का यूज करके हम चीज़ें कंट्रोल में ला सकते हैं। मगर इस मॉनेटरी पॉलिसी को पूरी तरीके से नकार दिया न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने, और तो और इन्होंने साथ दिया रियल बिजनेस साइकिल मॉडल्स का, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को नहीं मानते थे। हालांकि ये कीन्स के खिलाफ थे, मगर कीन्स की एक चीज यानी कि शॉर्ट फ्लक्चुएशंस को इन्होंने एक्सेप्ट किया था न्यू क्लासिकल को। और जैसे कीन्स के साथ मॉनेटरिस्ट का एक कॉन्ट्रोवर्शियल डिबेट चलता था, तो उसको भी इन्होंने रिप्लेस कर दिया। अब मॉनेटरिस्ट की जगह ये खुद आ गए न्यू क्लासिकल, और कीन्स के साथ सबसे ज़्यादा इनका मतभेद हुआ। और तो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले डिबेट ये चलता था कि शॉर्ट रन फ्लक्चुएशंस पर हम फोकस करें या लॉन्ग रन पर फोकस करें। लॉन्ग रन की बात करते थे क्लासिकल्स, और कीन्स ने शॉर्ट रन की बात की थी। तो पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स में यही डिबेट चलता था, लेकिन इसके बाद अब जब न्यू क्लासिकल्स आए तो डिबेट बदल गया। और वो डिबेट ये था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के मॉडल की जड़ कहाँ पर है, क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही ये उठे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी जब हम छोटे से जगह की इकोनॉमी की बात करते हैं, और मैक्रो यानी पूरा कंट्री जब उसमें इन्वॉल्व रहता है, तो क्या बड़े लेवल पर जो मॉडल्स बनते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, क्या उनकी जड़ें माइक्रो में ही हैं, माइक्रो में ही वो सारी चीज़ें मिलेंगी। अब ये डिबेट आ गया क्योंकि इनने कुछ ऐसे तर्क दिए, ऐसी चीज़ें सामने लाए जो माइक्रो से जुड़ी हुई थी, जो क्लासिकल से जुड़ी हुई थी, जो सबसे पहले आए थे। अब ये क्या था, इनकी तीन बातें थीं। एक तो मार्केट्स कंटिन्यूसली क्लियर रहेंगे, यानी सप्लाई अपनी डिमांड बना लेगी खुद और कोई ज़रूरत नहीं होगी किसी की, ये ऐसा तर्क था। दूसरी बात, रैशनल एक्सपेक्टेशन पर फोकस किया इन्होंने कि इस तरीके से हम फ्यूचर एक्सपेक्ट करके चीज़ें कंट्रोल में ला सकते हैं। और तीसरी चीज़, इन्होंने एग्रीगेट सप्लाई हाइपोथेसिस पर फोकस किया। अब ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं मार्केट कंटिन्यूसली क्लियर कैसे रहते हैं। अच्छा, मार्केट कंटिन्यूसली क्लियर और जो लास्ट वाला है सप्लाई हाइपोथेसिस, ये तो जो क्लासिकल्स पहले थे उन्होंने भी यही चीज़ डिस्कस की थी, लेकिन जो बीच वाली चीज़ है रैशनल एक्सपेक्टेशन, ये नई चीज़ लेकर आए। तो मार्केट्स कंटिन्यूसली क्लियर कैसे रहेंगे, कीन्स ने ये बताया था कि रिसेशन के टाइम में डिमांड फॉल हो जाती है और उसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम करने लगता है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट नहीं बिक रहे होते हैं। और जब ऐसा होता है तो वो अपने कैपेसिटी से नीचे काम करने लगते हैं प्रोड्यूसर्स लोग, प्रोडक्शन हाउसेस, और कम लोगों को हायर करते हैं काम करवाने के लिए, क्योंकि कम प्रोडक्शन करना है। इसकी वजह से होता क्या है कि एम्प्लॉयमेंट गिर जाता है। ये थ्योरी दी थी कीन्स ने, और इसी की वजह से कहा था कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, अंदर आना चाहिए और डिमांड को ऊपर उठाना चाहिए। लेकिन न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने कहा कि ये जो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, ये जो आ जाता है अपने आप नेचुरली, इट इज नॉट करेक्ट। ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि फर्म्स के पास, प्रोडक्शन हाउसेस के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है इस टाइम पर कि वो वर्कर्स को कम वेज पर रखें, क्योंकि उनकी डिमांड गिर गई है, लेकिन वो प्रोडक्शन कम करके अपना कॉस्ट कम कर सकते हैं,
यानी कि अगर वो वेजेस कम देंगे तो उनके प्रोडक्ट का कॉस्ट कम हो जाएगा, तो सस्ती चीजें लोग खरीदने लगेंगे, तो डिमांड बढ़ सकती है, यानी कि वो प्रॉफिट कमा सकते हैं इस टाइम पर। तो वो क्यों अपनी कैपेसिटी को कम करेंगे, वो तो वर्कर्स को और हायर करेंगे कम वेजेस पर, और इससे उन वर्कर्स को भी फायदा है, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे है। लेकिन मेन इसमें फायदा ये है कि चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो ये इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को इनने खारिज कर दिया, ठीक है भाई, लेकिन जब आपने इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को खारिज कर दिया, ये गलत है, तो फिर एक बात बताइए, आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट घट जाता है जब बूम पीरियड आता है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है जब स्लम पीरियड आता है? यानी प्रॉस्पेरिटी में जब चीजें अच्छी हो रही हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट घट जाएगा, और जब चीजें खराब हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। आप तो अनएम्प्लॉयमेंट को फोकस ही नहीं कर रहे हो, आपके हिसाब से तो अनएम्प्लॉयमेंट होता ही नहीं है, आप तो फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो, वही जो क्लासिकल्स ने कहा था। पता नहीं ऐसा इन्होंने क्यों कहा, मगर ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल है। रियल बिजनेस साइकिल मॉडल दिया है एडवर्ड सी प्रेस्कॉट और फिन ई किडलैंड ने। इन्होंने रियल बिजनेस साइकिल मॉडल जो दिया है, इसमें इन्होंने बताया है कि जितने भी रेसेशंस होते हैं उसके बाद फिर प्रॉस्पेरिटी आता है, फिर प्रॉस्पेरिटी के बाद फिर रेसेशन आता है। और अगर हम इसमें एक लाइन खींचे, इसको बोलते हैं हॉड्रिक प्रेस्कॉट फिल्टर, ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, इस रेड लाइन के ऊपर नीचे देखिए, जितना ऊपर ये गया है उतने नीचे भी आया है। ये देखिए, ये जितना ऊपर गया उतने नीचे, मतलब जो प्रॉस्पेरिटी का पीरियड था उसको इक्वलाइज किया है रेसेशन के पीरियड में। तो ये बोले अगर हम देखें इसको लॉन्ग रन पे, तो ये तो होता ही है ऐसा नेचुरल, इसको तो बल्कि आप और डिस्टर्ब कर देते हो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी लगाकर। शॉर्ट रन में आप इसमें जो हस्तक्षेप करते हो, इसकी वजह से डिस्टरबेंस होता है नेचुरली, ये अपने आप कंपनसेट कर लेगा। यानी वही चीज कि मार्केट क्लियर इटसेल्फ, अपने आप क्लियर हो जाता है, ये तर्क इन्होंने दिया। और इसका सपोर्ट इन्होंने वैलरेशन एजम्पशन से भी लिया है, जो ये कहती है कि मार्केट हमेशा क्लियर रहते हैं हर समय। ये लियोन वॉलरस का एक एजम्पशन है जिसको वैलरेशन एजम्पशन कहते हैं, कि मार्केट हमेशा नेचुरली क्लियर रहेंगे, यानी सप्लाई और डिमांड एक दूसरे को पूरा कर लेंगे, इक्वलाइज कर लेंगे, ना सप्लाई ज़्यादा होगी ना डिमांड ज़्यादा होगी, इनका ये तर्क था। ये कहते थे कि बड़े अपन मैक्रो लेवल पे देखें अगर, तुम कितने सारे मार्केट होते हैं, और अगर किसी मार्केट में डिमांड बढ़ रही है किसी चीज़ की, तो किसी मार्केट में सप्लाई भी बढ़ रही होगी उसी चीज़ की, और इसलिए ये एक दूसरे को कंपनसेट कर लेंगे, इक्वलाइज कर लेंगे, ऐसा वॉलरेशन अजम्पशन था। और इसको न्यू क्लासिकल ने कोट किया है कि देखिए मार्केट हमेशा क्लियर रह सकता है। इसके बाद रॉबर्ट ल्यूकास ने 1972 में रैशनल एक्सपेक्टेशन को मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जॉन न्यूट थे जिन्होंने 1970s में रैशनल एक्सपेक्टेशन को एग्रीकल्चर में यूज़ किया था। ये उन्हीं की इन्वेंशन थी जो रॉबर्ट ल्यूकास ने बाद में मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ की। एक्चुअली 1970 से पहले जो एक्सपेक्टेशन की जाती थी उसको एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन कहते हैं, यानी वो एक्सपेक्टेशन जो पास्ट के डेटास का एवरेज होती थी। सपोज पिछले साल का इन्फ्लेशन रेट 5% था, उसके पहले 4% था, उसके पहले 3% था, तो तीनों साल का एवरेज 4% आया, तो ये प्रिडिक्ट कर लिया जाता था कि आने वाले साल में भी 4% इन्फ्लेशन होगा, तो उसी के हिसाब से हम अपना डिसीजन लेंगे। ये थी एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, मगर ये फेल हो गई, क्योंकि आने वाले टाइम में पहले के एवरेज के हिसाब से अगर चीज़ें नहीं हुई, जैसे रिसेशन आता है तो वो बहुत बड़ा होता है और वो एवरेज से रिलेटेड नहीं होता है, तो इसलिए रैशनल एक्सपेक्टेशन आया। जो अभी की करंट पॉलिसीज चल रही हैं गवर्नमेंट की, मॉनिटरी फिस्कल, उसको स्टडी करना, उसके हिसाब से उसको प्रिडिक्ट करना और प्रॉपरली पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसके हिसाब से डिसीजन लेना, ये रैशनल एक्सपेक्टेशन में सब कवर किया गया। जैसे एक व्यक्ति है, वो दूर की सोचना चाहता है, आगे की सोचना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो आज अपना देखेगा कि उसे काम करना चाहिए या उसे आराम करना चाहिए। अगर उसे लगता है कि फ्यूचर ब्राइट है तो वो आराम करेगा, अगर उसे लगता है फ्यूचर डार्क है तो वो मेहनत करेगा, लेकिन दोनों ही परिस्थिति में वो फोकस करेगा अपने आने वाले कल पर, यानी कि फ्यूचर के एक्सपेक्टेशंस करेगा। और ये एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कौन करेगा, वो एक तो खुद अंदाजा लगाएगा आगे का, या फिर वो किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी पर डिपेंड करेगा, या किसी प्राइवेट फर्म की पॉलिसी पर डिपेंड करेगा, यानी वो कहीं ना कहीं टारगेट बनाएगा कि
या तो खुद पर या उन पर। अगर वो खुद पर बनाता है और कभी एरर हो जाता है तो वो कहाँ जाएगा? फिर वो बड़े बड़े फर्म्स के पास, गवर्नमेंट के पास, या उन मॉडल्स की तरफ देखेगा जो पूरी तरीके से एरर फ्री है। मगर क्या वो सही में एरर फ्री है? अगर वो भी एरर फ्री नहीं है तो ये दिक्कत में आ सकते हैं। इसलिए रैशनल एक्सपेक्टेशंस यानी कैलकुलेटेड सिस्टमेटिक सोच, पूरे डेटा कलेक्ट करके और जब हम उसको एक्सपेक्ट करते हैं यानी प्रिडिक्ट करते हैं तो वो लगभग सही हो, ऐसा रैशनल एक्सपेक्टेशन ने कहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा लेकिन अभी नहीं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। ये शॉर्ट में मैंने समझा दिया कि न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स रैशनल एक्सपेक्टेशन पर फोर्स करती है, या कि हम आगे का अगर एक्सपेक्ट कर लें या प्रिडिक्ट कर लें कि आगे क्या होने वाला है तो उसके हिसाब से हम अपने अंदर चेंजेस लाकर उस आने वाले रिसेशन से बच सकते हैं या उसको कवर कर सकते हैं। ये मेन थीम थी रैशनल एक्सपेक्टेशन की। इसके बाद एग्रीगेट सप्लाई हाइपोथेसिस आई। ये बात तो क्लियर हो गई, जब लोग डिसीजन लेने लगे तो वो जो डिसीजन लेंगे रैशनल डिसीजन लेंगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगा उनके ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर को। एक चीज़ तो क्लियर थी कि वो ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर होगा उनका, यानी सकारात्मक सोच होगी, कोई नकारात्मक सोच नहीं रखेगा, नेगेटिव नहीं सोचेगा। और दूसरी चीज़ ये होगी कि लेबर और गुड्स का डिपेंडेंसी उस समय की प्राइजेस पर होंगी। अगर प्राइजेस बढ़ती हैं तो लेबर और गुड्स पर असर पड़ेगा, और अगर घटती हैं तो भी असर पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, इसको समझने के लिए हमको लेबर मार्केट और गुड्स मार्केट भी समझना होगा। जैसे इकोनॉमी में जो शॉक्स लगते हैं वो शॉक्स दो प्रकार के होते हैं, फेवरेबल और अनफेवरेबल। अगर फेवरेबल शॉक है यानी अच्छा प्रॉस्पेरिटी का समय चल रहा है तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से वर्कर्स को पे भी हाई मिलेगी। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो प्रोडक्शन घटेगा और वर्कर्स को पे भी कम मिलेगा, और इन दोनों ही सिचुएशंस में वर्कर्स सेटिस्फाइड होंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अभी अच्छा टाइम चल रहा है, ओवर टाइम कर लो, पैसा कमा लो, क्योंकि हमेशा नहीं रहता ऐसा। उनको भी ये बात पता है कि हर दिन एक जैसा नहीं रहता, तो वो इस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर होते हैं। और जब ऐसा समय आता है जब रिसेशन या कम काम रहता है तो वो आराम करते हैं। यानी इसमें सीधी सीधी एक फिलॉसफी जो चल रही है, दैट इज मेक हे व्हेन द सन शाइन्स। उस समय भूसा बना लो जब धूप निकली हो, गर्मी का मौसम हो, क्योंकि बरसात में भूसा बनाना बहुत मुश्किल है, असंभव जैसा है, क्योंकि बरसात में आप बाहर रख नहीं सकते उसको, इसलिए पहले बना लो। आपने देखा होगा चींटियां पहले से ही, बरसात आने से पहले ही अपना घर में सारा स्टॉक तैयार कर लेती हैं, इकट्ठा कर लेती हैं। ये सब कहानियां हैं, किस्से हैं, मगर फैक्ट यही है कि वर्कर्स अपने को एडजस्ट कर लेते हैं। और अगर हम गुड्स मार्केट की बात करें प्राइस लेवल और आउटपुट के बिहाफ पे, तो ये डायग्राम से मैं आपको बताता हूँ। अगर Y1 आउटपुट है और AD1 ये डिमांड है, अब जैसे ही गवर्नमेंट इसमें मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू पैसा डालेगी, AD1 से AD2 हो जाएगी डिमांड, यानी डिमांड बढ़ गई, तो प्राइस P1 से P पे आ जाएगी, ओके, और आउटपुट भी बढ़ जाएगा। लेकिन फर्दर जब ये हो जाएगा, आउटपुट बढ़ जाएगा, तो लोग जो प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो अब और सप्लाई करने की कोशिश करेंगे, वो और पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो सप्लाई और बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही सप्लाई AS2 पे आएगी तो प्राइस तो बढ़ जाएगी P2, क्योंकि वो तो प्रोड्यूस इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको हायर प्राइसेस मिले, क्योंकि डिमांड है। मगर उस समय डिमांड घट के यहां आ जाएगी और Y1 आउटपुट हो जाएगा। गुड्स मार्केट के साथ कुछ ऐसा इसलिए होगा क्योंकि लोग ये एंटिसिपेट कर लेते हैं कि अब इसके आगे प्राइजेस नहीं बढ़ेंगी, या ये जो प्राइजेस बढ़ गई हैं अब हमें ये सब नहीं चाहिए, हमको पीछे वाली प्राइजेस ही चाहिए थी, तो वो अपनी डिमांड घटा लेते हैं या उनकी वो हैसियत ही नहीं है अभी उतना खरीदने की। मतलब कहने का ये है कि मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर लेता है कि गुड्स किस तरीके से अपने उस लेवल पे मेंटेन रहे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सप्लाई AS2 है, अगर यहां पर ऑलरेडी सप्लाई है और ये डिमांड है और इसके बाद पॉलिसी आती है, तो क्या इसके ऊपर जाने की कोई कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? ये सब डिसीजन लेना बहुत जरूरी रहता है। तो ये गुड्स मार्केट में
ये डिसीजन रैशनल होता है, और इसके अलावा पॉलिसी इम्प्लीकेशंस भी हैं न्यू क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स में, पॉलिसी इनएफेक्टिव प्रपोजिशन, पॉलिसी क्रेडिटिबिलिटी और ल्यूकास क्रिटिक। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।